नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा राजस्थान की खारे पानी की झीलें। राजस्थान खारे पानी झीले में आज हम पढ़ेंगे सांभर झील। सांभर झील के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण झील है, यहाँ से राजस्थान के हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो हम चलते हैं दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान खारे पानी की झीलें और आज हम झील पढ़ेंगे सांभर झील, ठीक है। तो आपको मैं दो तीन जो बातें बता रहा हूँ वो ध्यान रखना दोस्तों। यदि पूछ ले राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ है, राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ है दोस्तों। नागौर में है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें दोस्तों नागौर में है। यदि पूछ ले राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झील, तो उदयपुर में, इसलिए उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर में है, इसलिए उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें हैं वो कहाँ है दोस्तों, उदयपुर में। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं सांभर झील के ऊपर, ठीक है। सांभर झील को पढ़ते हैं दोस्तों। सांभर झील के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा। सांभर झील के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सांभर झील का निर्माण चौहान शासक वासुदेव चौहान द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? कहा जाता है कि सांभर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? वासुदेव चौहान द्वारा करवाया गया, ठीक है दोस्तों। किसके द्वारा करवाया गया? वासुदेव चौहान के द्वारा। किसका? सांभर झील का निर्माण। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, वास्तविक रूप से सांभर झील एक प्राकृतिक झील है, तो आपको लिखवा देता हूं दोस्तों, वास्तविक रूप से सांभर झील एक प्राकृतिक झील है। कैसी झील है दोस्तों प्राकृतिक झील है सांभर झील। लेकिन विद्वान मानते हैं कि सांभर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने। लेकिन वास्तविक रूप से तो ये एक प्राकृतिक झील है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके आगे आगे पढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे बता दूं आपको, जो सांभर झील है इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, पूछ ली गई है दोस्तों। ये प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है कि सांभर झील की लंबाई कितनी है, तो यह लिखवा देता हूं मैं, सांभर झील की लंबाई है दोस्तों 32 किलोमीटर। कितनी है? 32 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 32 किलोमीटर। यदि चौड़ाई पूछ ले दोस्तों, चौड़ाई कितनी हो जाएगी सांभर झील की चौड़ाई, तो आपको बता दूं चौड़ाई हो जाएगी इसकी 3 से 12 किलोमीटर तक। कितनी हो जाएगी? 3 से 12 किलोमीटर तक। आगे यदि पूछ ले कि सांभर झील में कौन कौन सी नदियां आकर गिरती हैं, मिलती हैं, तो आपको बता दूं, सांभर झील में सांभर झील में
साबर झील में रूपनगढ़, कौन सी दोस्तों? रूपनगढ़ खारी, रूपनगढ़ खारी खंडेला, रूपनगढ़ खारी खंडेला और दोस्तों मंथा आदि नदियां आकर, नदियां आकर गिरती है, कौन कौन सी नदियां आकर गिरती हैं दोस्तों? तो आपको बता दूं, सांभर झील में रूपनगढ़ खारी खंडेला और मैंथा नदियां आकर गिरती हैं। यदि आगे पूछ ले दोस्तों आपसे कि सांभर झील से भारत के, किसके दोस्तों? भारत के कुल नमक उत्पादन का ठीक है दोस्तों, नमक उत्पादन का 8.7% नमक तैयार किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, किया जाता है, कितना किया जाता है? 8.7%। सांभर झील से भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक तैयार किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, यदि आगे पूछ ले आपसे कि सांभर झील में नमक का उत्पादन कौन करता है, कौन से मतलब वो करती है, तो आपको बता दो, सांभर झील से नमक उत्पादन का कार्य, नमक उत्पादन का कार्य सांभर साल्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है, सांभर साल्ट लिमिटेड क्या दोस्तों? सांभर साल्ट लिमिटेड के माध्यम से किया जाता है। सांभर साल्ट लिमिटेड के माध्यम से किया जाता है। चलो चलते हैं, सांभर झील से नमक उत्पादन का कार्य सांभर साल्ट लिमिटेड के माध्यम से किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, सांभर झील है यह पर्यटन क्षेत्र रामसर साइट के अंतर्गत आती है दोस्तों। किसके अंतर्गत आती है? रामसर साइट भी है, ठीक है दोस्तों, यह पर्यटन क्षेत्र रामसर साइट भी है। इसके बाद यदि आपसे पूछ ले अकबर और जोधा का विवाह कहाँ हुआ था, तो दोस्तों अकबर और जोधा का विवाह भी सांभर झील पर ही हुआ था। तो लिख लो आप दोस्तों, अकबर व जोधा का विवाह सांभर झील पर ही हुआ था। अकबर जोधा का विवाह कहाँ हुआ था दोस्तों? सांभर झील के ऊपर, वहीं हुआ था, सांभर झील पर हुआ। अकबर और जोधा का विवाह सांभर झील पर हुआ था। यदि आपसे पूछ ले शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ है, तो यहीं पर ही सांभर झील के किनारे शाकंभरी माता का मंदिर भी है। शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों? सांभर, जयपुर में।
शाकंभरी माता का मंदिर भी है। ठीक है दोस्तों, शाकंभरी माता का मंदिर भी है। चलते हैं दोस्तों, यह पर्यटन क्षेत्र रामसर साइट के अंतर्गत आता है, यह पर्यटन क्षेत्र रामसर साइट भी है। अकबर व जोधा का विवाह सांभर झील के किनारे हुआ था, कहाँ हुआ था अकबर जोधा का विवाह? सांभर झील पर। सांभर झील के किनारे शाकंभरी माता का मंदिर भी है दोस्तों। कौन सी माता का मंदिर है? शाकंभरी माता का मंदिर भी है। तो दोस्तों आपको आज का टॉपिक कैसे लगा कमेंट करके बताइए, और यदि चैनल पे पहली बार हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।